मैं बनाने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी क्रंची, घर के ही कुछ ही सामान से ऐसे जबरदस्त टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट जिन्हें आप देखते ही बनाना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। तो सबसे पहले यहाँ हम पोहे को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसमें डस्ट होती है, और इस तरह धो करके बस 2 मिनट पानी में आप इसी तरह छोड़ दीजिए, और 2 मिनट बाद एक छलनी से इस तरह पानी को छान देंगे। लीजिए, तो सारा पानी निकल गया है पोहे का, आप देख सकते हैं। अच्छे से हाथ से इसको मैश करेंगे इस तरह, जिससे कि जो पोहा है उसका एक डो जैसा तैयार हो जाए। अब इसमें जाएंगी कुछ फ्लेवरफुल चीजें। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे साइज के आलू उबले हुए, बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, अदरक और हरी मिर्च का इस तरह दरदरा करा हुआ मिक्स। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, दरदरा कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ चावल का आटा, दरदरी कुटी हुई रोस्टेड मूंगफली, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हाथ पर हल्का सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लीजिए और सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब बस इसमें से लेंगे एक नींबू के साइज की बॉल और हाथ को ग्रीस करके इस तरह से इसकी गोल गोल टिक्कियां बनाएंगे। इस तरह से थोड़े से तेल ऊपर डालेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह हम सारे पोहा कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज मैं इन पोहा कटलेट